अहम खबरें शामिल करते हुए आपको बताएं कि अफगानिस्तान में तालिबान की पेशकदमी जारी है। पाकिस्तान से मुतसिल तुरखम बॉर्डर का कंट्रोल भी संभाल लिया है। मजीद ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल है जानते हैं पेशावर में समा के ब्यूरो चीफ तारिक आफाक से। जी तारिक आफाक साहब, अपडेट कीजिएगा, लम्हा बलम्हा सूरत हाल बदल रही है। जी यकीनन, अफगानिस्तान में लम्हा बदलम्हा सूरत हाल बदल रही है और अब तालिबान ने जो सबसे अहम पाक अफगान शहरा थी तुरखम बॉर्डर, उसके कंट्रोल भी संभाल लिया है। आज जलालाबाद पर भी उन्होंने कब्जे का दावा किया था और उसकी तस्दीक भी हो गई है। जो मुकामी लोग थे उनका यही कहना था कि जब वो सुबह उठे हैं तो हर तरफ जो है ना जो इमारत इस्लामी है उनके झंडे नजर आ रहे थे और किसी लड़ाई के बगैर उन्होंने जो जलालाबाद है उस शहर को फतह कर लिया था। और जलालाबाद से करीब ही जो है तकरीबन 50 किलोमीटर के फासले पे तुरखम बॉर्डर है, तो तुरखम बॉर्डर के कंट्रोल भी तालिबान ने संभाल लिया है। वहाँ पे जितनी भी सरकारी इमलाक थी उन पर उन्होंने कंट्रोल हासिल कर लिया है और फिल वक्त जो है जो पाक अफगान तजारत थी वो तो बंद कर दी गई है। लेकिन तालिबान सराय का ये कहना है कि जब ये मामला ठीक हो जाएंगे तो वो पूरी तौर पर पाक अफगान तजारत बहाल करने की कोशिश करेंगे। जितनी भी कमिश्नरेट है, जितनी भी सरकारी दफातर थे अफगानिस्तान की तरफ, उन सब पे जो है तालिबान का कंट्रोल है। और ये भी इतलात मिली है कि अफगानिस्तान जो जलालाबाद है वहाँ पे कोई लड़ाई नहीं हुई थी, सरकारी जो अफवाज थी वो भाग गई थी और पूरा शहर उन्होंने तालिबान के लिए खुला छोड़ दिया था। और इसी तरह बिल्कुल अपडेट करने के लिए शुक्रिया तारिक आफाक साहब।